हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओशो विज्ञान। आज का वीडियो जिसका सभी को इंतज़ार रहता है जनरली, वो है आईपीएल 2024 का विनर कौन सी टीम होगी। राइट, फाइनल में दो टीम्स हैं, सबको पता है, केकेआर एंड सनराइजर्स हैदराबाद। सो, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या बताया था। आज से लगभग जब आईपीएल शुरू हुआ था तब हमने एक वीडियो डाला था इसके ऊपर, और उसमें हमने क्या बताया था और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा आज, ओके, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। अगर लर्निंग पर्पज से आए हैं तो पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है। जो लोग सट्टा लगाने आए हैं वो वेट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि ये चार टीमें बेसिकली इनमें से फाइनल होगा, ठीक है। केकेआर के नंबर हमने कहा था बिल्कुल स्ट्रीम सिंक्रोनाइज्ड हैं, जो हम हमेशा बोलते हैं केकेआर के नंबर बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड थे, ये श्रेयस अय्यर वाले, ठीक है, श्रेयस अय्यर वाले नंबर बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हैं। पैट कमिंस का हमने उस वीडियो में बोला था कि इसके नंबर 8 मई के बाद, क्योंकि 8 मई को पैट कमिंस का बर्थडे था, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था इसके नंबर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है, इसके बाद और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, वीडियो में जाके सुन लीजिएगा, ठीक है। तो हमने कहा था कि पैट कमिंस, श्रेयस अय्यर दोनों के नंबर, ये दो ही टीमें ऐसी थी जिनके नंबर एकदम सिंक्रोनाइज्ड थे, ठीक है। इसके अलावा हमने चेन्नई को जोकर कार्ड में रखा था और एक आरसीबी को जोकर कार्ड में रखा था, ठीक है। जोकर कार्ड के बारे में आपको पता होगा, जोकर कार्ड क्या करता है इसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, सो जोकर कार्ड के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बट हाँ, हमने कहा था इन दोनों में से कोई एक टीम टॉप फोर में होगी, ठीक है। हमने इसलिए चेन्नई स्लैश आरसीबी यहाँ पे मेंशन किया था, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दोनों ही टीमें लास्ट उस मैच में आपस में आमने सामने आ गई जहाँ से एक को क्वालिफाई करना था। दोनों ही जोकर कार्ड थे, ठीक है। जोकर कार्ड में से कोई भी जोकर कार्ड अपना अच्छा रोल प्ले कर सकता है। सो चेन्नई और आरसीबी वाले मैच में क्या हुआ सबको पता है, ठीक है। सो दोनों ही जोकर कार्ड थे, तो हमने यहाँ पे स्लैश लगाया था कि हमें ये था कि इनमें से कोई एक टीम ही पहुँचेगी टॉप फोर में, ठीक है। एलएससी आउट हो गई, उसकी जगह एक नई टीम एंटर कर गई थी जिसका नाम था राजस्थान रॉयल्स, इसको हमने रूल आउट किया था, ये हमने अपनी वीडियो में साफ साफ बोला है, ठीक है। हमने अपनी वीडियो में साफ साफ बोला था कि राजस्थान रॉयल्स विल नॉट मेक इट, ठीक है। हमने टॉप फोर में एलएसजी को लिया था, लखनऊ सुपर जायंट्स को क्यों लिया था, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के 18 अप्रैल के बाद राहुल के केएल राहुल के नंबर बहुत स्ट्रांग बने थे, क्योंकि वो अपने एक अच्छे एज में एंटर कर गए थे और उनके नंबर भी अच्छे सिंक्रोनाइज्ड हो गए थे। लेकिन हमने उस वीडियो में साफ साफ बोला था कि राहुल अगर फाइनल में खेली, अगर एलएसजी फाइनल के दिन खेली, जो कि 26 तारीख आज कल के दिन है, ठीक है। सो 26 तारीख को अगर वो मैच खेलेंगे जिसका टोटल 8 आता है, वो राहुल के लिए एंटी नंबर है, क्योंकि राहुल खुद 9 नंबर के हैं, ठीक है, 9 नंबर, 18 से टोटल उनका ड्राइवर 9 आता है, ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर एलएसजी फाइनल में खेलेगी तो हार जाएगी, ऑल्दो वो पहले आउट हो गई, ये अलग मैटर है, उसकी जगह एक टीम आ गई जो थी राजस्थान रॉयल्स। तो हमारी बताई हुई चार टीमों में से तीन टीमें आई, एक टीम हमारी सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है, क्लियर। इतना हमने अपने वीडियो में पहले बताया था। उसके अलावा हमने अपने वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो ये कि आईपीएल एक ऐसा गेम है क्रिकेट वर्ल्ड में, जितने भी क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे वर्ल्ड कप है, T20 है, 50 ओवर वर्ल्ड कप है, या कोई भी और सीरीज होती है, उसमें आईपीएल एक ऐसा सीजन आता है जिसमें सबसे ज़्यादा सट्टा बाजारी होती है, ये तो जग जाहिर है, ठीक है, हम इसे ब्लेम नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, मार्केट में सबको पता है आईपीएल में ज़्यादातर ये काम होता है, ठीक है। अभी मैं इसके छोटे से कुछ आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आईपीएल में बहुत सारी प्रेडिक्शंस गलत होने के चांसेस होते हैं, ये बात फैक्ट है, ठीक है, ये बात फैक्ट है कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। अब तभी हम प्रूफ के साथ बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमने इस पूरे चार्ट में कैप्टन का नाम कहा था जो था शुभमन गिल, हमने कहा था कि इसका डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट है, राइट। इस बार आईपीएल में कुछ इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कुछ टीमों के कैप्टन बिल्कुल न्यू थे मेरे लिए भी, ठीक है, जैसे शुभमन गिल बिल्कुल न्यू कैप्टन थे जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। उसके अलावा आपका
ऋतुराज गायकवाड़ ये कभी कैप्टनसी में नहीं रहे हैं, पहली बार कैप्टन बने थे, हमने इनको भी पहली बार फॉलो किया। और इसके अलावा एक टीम और थी जो थी पंजाब किंग्स, जनरली उसके जो कैप्टन थे वो शिखर धवन थे, बट आपने देखा होगा कि दो तीन मैच कुछ मैचों के बाद ही सैम करन इनकी जगह पे कैप्टन बन गए थे क्योंकि ये इंजर्ड हो गए थे। और मैंने एक बात कही थी, जब भी किसी टीम का कैप्टन चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग टीम परफॉर्म करती है। सो इन सब सिनेरियो को देखते हुए जब हमने कुछ नए कैप्टन्स को फॉलो किए, जैसे ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन की जगह आ गए सैम करन, और शुभमन गिल का तो हमने आपको बता ही दिया था। तो हमारी कुछ प्रेडिक्शंस, हमने एक मेंबरशिप वीडियो ओपन किया था उन लोगों के लिए जिनको आईपीएल में ये जानना होता है कि कौन से मैच में कौन जीतेगा, राइट। उसमें कुछ मेंबर्स थे भी, उसमें हमारे कुछ प्रेडिक्शंस गलत भी हुए, नो डाउट, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। और उसका कारण ये था, बहुत सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपने ये देखिए, ये 3 मई को बता दिया गया था, कुछ ग्रुप के लोगों में भी एक दो लोगों को अलग से सेपरेटली मैसेज डाल दिया गया था कि हेयर आर द लिस्ट ऑफ कैप्टन्स हु हैव नॉट एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, जिसमें से संजू सैमसन भी एक थे, सैम करन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल का हमने पहले बता दिया था। तो ये 3-4 लोग ऐसे थे जिनकी डेट ऑफ बर्थ ड्यूरिंग दिस आईपीएल जब हमने इनको फॉलो करना शुरू किया तो हमें पता चला कि इनकी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है, ये अपने नंबरों के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं आ रहे हैं, किसी का ईयर गड़बड़ है, किसी का नंबर ही गड़बड़ है, ठीक है। ये अपनी उस डेट पर मैच हारे जिस डेट पर लकी कॉम्बिनेशंस बनते थे इन लोगों के, ठीक है। सो एक बात तो हुई है, तो ये 3 मई का है, 3 मई 2024 को हमने अपने कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था उनको यहाँ पे एक लिस्ट में बता दिया गया था कि जब जब इन चार कैप्टन्स की टीम के प्रेडिक्शंस होंगे उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और यही प्रेडिक्शंस हमारे कहीं ना कहीं कुछ इसमें गलत गए हैं, ठीक है। सिंपल, क्योंकि आईपीएल इज ऑल अबाउट कि वहाँ सट्टा भी होता है, वहाँ टीमें अपनी मर्जी से भी हारती हैं, और वहाँ बहुत कुछ होता है। अब एक छोटी सी स्टोरी बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे। आज से 8-9 साल पहले की बात है, मैं न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस तो करता ही था और मैं एक कंपनी में काम भी करता था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। सो मैं अपनी डेस्क पे बैठ के, मैं आईटी सेक्टर से हूँ, मैं आईटी सेक्टर में काम करता था। सो मैं अपनी डेस्क पे बैठ के कुछ काम कर रहा था और मेरे कलीग्स जो थे, मेरे नियर बाय जो आसपास लोग बैठते थे, उसमें से कुछ लोगों को पता था कि मैं न्यूमरोलॉजी पे प्रैक्टिस करता हूँ और मैं न्यूमरोलॉजी की चीज़ें करता हूँ। आज से 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सो उसमें से एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि आज कौन सी टीम जीतेगी। एंड आई रिमेम्बर कि उस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था, सेकेंड टीम कौन सी थी मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं, क्योंकि डेविड वार्नर खेल रहे थे, मुझे इसलिए अच्छे से याद है। सो उसने कहा कि आज कौन सी टीम जीतेगी, तो मैंने कहा कि सनराइजर हैदराबाद को जीतना चाहिए। उस वक्त मैं प्रैक्टिस में था, इनिशियल ईयर्स थे मेरे कुछ, ठीक है, 1-2 साल ही हुए थे मुझे प्रैक्टिस करते हुए। सो उसने कहा कि आज कितने रन तक बन सकते हैं तुम बता सकते हो, तो मैंने कहा नहीं इतना डीप मुझे नहीं आता क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ। उसने मेरे सामने अपना डेस्क पे मेरी डेस्क पे उसने अपना मोबाइल रखा, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ था। उसने कहा कि आज जब मैच शुरू होगा तो मैं तुझे बॉल टू बॉल बताऊंगा कि क्या होने वाला है। सो आई सेड ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसने कहा तुम मैच स्टार्ट होने दो फिर देखना। तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो उसने मेरे सामने बॉल टू बॉल काफ़ी बॉल्स पे ये बताया कि इस बॉल पे विकेट गिरेगा, जो उसके व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही आ गया था, ठीक है, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही आ गया था कि ये विकेट गिरेगा, इस बॉल पे ही गिरेगा, एंड देन उसी बॉल पे विकेट गिरा। अगेन उसने मुझे कहा कि देख ये वाली बॉल नो बॉल होगी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में उसके पास पहले आ गया था कि ये वाली बॉल, पर्टिकुलर बॉल नो बॉल फेंकने वाला है बॉलर, और अगेन वो नो बॉल थी, ठीक है। ये मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा है, वो मेरा कलीग था, अब कहाँ है मुझे नहीं पता क्योंकि इस बात को 8-9 साल हो चुके हैं। उस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर भी खेलते थे, नो बॉल किसने डाली थी, वो पाकिस्तान का एक प्लेयर था, वो लंबा सा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट ये सब मैंने अपनी आंखों से उस मोबाइल की स्क्रीन पे देखा है। बॉल डालने से पहले आप पहले से बता दे रहे हैं कि विकेट गिरने वाला है, इसी बॉल पे गिरेगा, इसी बॉल को नो बॉल फेंका जाएगा जानबूझ के।
ये सब आईपीएल में होता था। आज के टाइम में कितना होता है उतना नहीं होता है, बट हाँ एक टाइम पे मैं 8-9 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, ये मेरे सामने से मैंने लाइव उस व्हाट्सएप ग्रुप को देखा है, ठीक है। सो ये हुई एक बात, इसलिए मैं आईपीएल में तो बिल्कुल मना करता हूँ कि आईपीएल नहीं, मैं तो सट्टे को प्रमोट ही नहीं करता, हम बैटिंग को प्रमोट नहीं करते हैं, बट कुछ लोगों को चुल होती है कि करना है तो कीजिए, ठीक है, नुकसान आपका है, ठीक है। सो इसके अलावा देखिए और चीज़ दिखाता हूँ, ये तो मैंने कह दिया, ठीक है। अब आपको हो सकता है मेरी बात पे विश्वास ना हो, सकता है मैं स्टोरीज बना रहा हूँ, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है। सहवाग ने और ये साहब है मनोज तिवारी साहब, इन्होंने बोला चेन्नई और राजस्थान के मैच में जिसमें राजस्थान हारी थी अभी लेटेस्ट, ठीक है, मनोज तिवारी और वीर सहवाग ने उठाए गंभीर सवाल कि फिक्स था चेन्नई राजस्थान का मैच काइंड ऑफ, ठीक है। सो जब क्रिकेटर्स के बड़े बड़े लोग इस पे सवाल उठाते हैं तो हम तो आम पब्लिक हैं, ठीक है, हमें तो लगता ही है कि काफ़ी मैच फिक्स होते होंगे, ठीक है। ये एक न्यूज़ है। अब इसके अलावा एक न्यूज़ देखिए, ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, ये वाली न्यूज़ देखिए। ऑन दिस डे राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी आईपीएल फिक्सिंग में गिरफ्तार, बीसीसीआई अध्यक्ष को लेना पड़ा ये फैसला, ठीक है। तो राजस्थान रॉयल्स, ये लेटेस्ट राजस्थान की टीम के बारे में नहीं है, ये थोड़ी ओल्ड 3-4 साल पुरानी राजस्थान टीम के बारे में, जो 3 खिलाड़ी आईपीएल फिक्सिंग में गिरफ्तार हुए हैं, ये न्यूज़ पढ़ लीजिएगा, अभी आई तो कुछ दिन पहले है, बट ये पुरानी न्यूज़ है, 3-4 साल पहले की राजस्थान टीम्स की है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब न्यूज़ में है, ठीक है, ये मैं न्यूज़ से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इतना ही दिखा रहा हूँ। सो इतना तो समझ में आ गया होगा कि आईपीएल में फिक्सिंग होती है और होती थी, और अब शायद कम होती है, पहले बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, पर होती है, ये बात सबको पता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि भाई जीतेगा कौन, ठीक है। और उससे पहले जिन लोगों को लगता है 4 टीमें थी उसमें से राजस्थान रॉयल्स कैसे आई, तो राजस्थान रॉयल्स का बता दिया, संजू सैमसन की डेट ऑफ बर्थ में कुछ इनएक्यूरेसी है, ठीक है। और एक और स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ आपके साथ, अपने ही एक जिन्होंने चैनल सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था उनको बता दिया था कि फाइनल वुड बी बिटवीन SRH एंड KKR, ठीक है, ये कब का है, 2-3 दिन पहले का है, SRH और KKR के बीच में फाइनल होगा, ठीक है। और SRH और RR का जो फाइनल कल सेमीफाइनल हुआ था, ठीक है, उसमें बता दिया था कि SRH जीतेगी, और इसका बहुत सिंपल रूल था, नीचे पढ़ लीजिए क्या लिखा है, पैट कमिंस के नंबर गुड हैं नंबर 6 के साथ, जो कि 24 को हुआ था, 24 तारीख को जो मैच हुआ था, एलिमिनेटर वाले की बात कर रहा हूँ, थर्ड एलिमिनेटर जो था, ठीक है। लेकिन संजू सैमसन के नंबर अच्छे होते अगर वो एक्चुअल में 2 नंबर का होता है, जो भी होता, बट उसकी डेट ऑफ बर्थ इनएक्यूरेट है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज वाई वो RCB से भी जीत गया, अदरवाइज RCB के जीतने के बहुत अच्छे चांस थे उस दिन, बट संजू सैमसन की डेट ऑफ बर्थ 100% श्योर है कि इनएक्यूरेट है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से अपने सब्सक्राइबर्स को बता दी गई थी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था, ऑल्दो हमने वो सब्सक्रिप्शन बाद में बंद कर दिया था, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई सट्टा बाजारी प्रमोट हो, ठीक है। चलिए अब बात आती है फाइनल की। सो जिस चीज़ का सबको इंतज़ार है सुनने का कि हु विल विन दी IPL 2024 फाइनल, KKR SRH दो टीमें हैं, ठीक है, नंबर्स पे आ जाते हैं सीधे, ये लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइएगा, सीखने वालों के लिए वीडियो है, हम वापस से रिपीट करता हूँ, ना ही सट्टा बाजारी प्रमोट करते हैं, ना हम किसी को यहाँ सट्टा लगाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी हैटक लीजिए, इतना सारा आपको प्रूफ दिखा चुका हूँ कि IPL में फिक्सिंग्स होती हैं, प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं फिक्सिंग्स में, ठीक है, बहुत कुछ होता है IPL के अंदर, उसके बाद भी आपको लगता है इसमें प्रिडिक्शन गलत जा भी सकती है, मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, IPL में सबसे ज़्यादा गलत प्रिडिक्शंस जाती हैं, सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स की, सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजिस्ट की प्रिडिक्शन गलत अगर होती है तो वो IPL में होती है, ठीक है, बाकी मैचों में उतनी नहीं होती है, वर्ल्ड कप में उस तरह के मैचों में जल्दी से नहीं होती है, बट यहाँ होती है, ठीक है। चलिए दिमाग खोल के सुनिएगा, लर्निंग पर्पज़ का वीडियो, KKR श्रेयस अय्यर 6/12/94 ड्राइवर 6 कंडक्टर 5 रूलर नंबर 3 एज नंबर 3 के साल में है वो, ठीक है, रनिंग एज। पैट कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद ड्राइवर 8 कंडक्टर 8 रूलर नंबर 6 एज 5 दोनों के नंबर 10 की 10 टीमों में सबसे वेल सिंक्रोनाइज्ड अगर दो टीमें थी तो वो थी KKR और SRH, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में साफ साफ बोला था, जिसने सुना होगा उसको पता होगा, नहीं सुना है तो दोबारा वीडियो जाके देख लीजिए, वहीं पड़ी हुई है, ठीक है। और एक और बात बोली थी, सबसे बेकार टीम मुंबई इंडियंस रहेगी इस बार, क्योंकि हार्दिक पांड्या के नंबर सबसे गंदे थे, ये भी बताया था, और सबसे पहले एलिमिनेट कौन सी टीम हुई, मुंबई इंडियंस, टेबल में सबसे लोवेस्ट नंबर पे 10वें पे कौन थी,
मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस के नंबर तो बहुत ही बेकार थे इस बार कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो खैर इन दो टीमों के नंबर थे वेल सिंक्रोनाइज्ड, जो आज की डेट में भी हैं, ठीक है। छः नंबर वाला व्यक्ति अपने तीन नंबर के साल में है, रूलर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। पैट कमिंस आठ नंबर वाला व्यक्ति, आठ नंबर का कंडक्टर लेकर ड्राइव, रूलर नंबर सिक्स है, करंट एज पाँच है, वेल सिंक्रोनाइज्ड नंबर, ठीक है, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है। अब सेलेक्ट कैसे करें कि जीतेगा कौन, तारीख कौन सी है मैच की, मैच की तारीख है 26 तारीख, 26/5/2024, 26 का टोटल कितना आता है 8, 2024 का टोटल कितना आता है 8, तो उस हिसाब से सबको लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद जीतेगी। ध्यान से सुनिएगा, समझाने की कोशिश करूंगा। सनराइजर्स हैदराबाद आठ नंबर 26 तारीख को मैच, 8 नंबर 2024 का साल चल रहा है, 8 नंबर, तो उस हिसाब से तो सनराइजर्स हैदराबाद के सारे नंबर सिंक्रोनाइज्ड हैं, राइट। एक तरफ रख दीजिए इसको, इधर आ जाइए, श्रेयस अय्यर पर, ड्राइवर 6, रूलर 3, ये एज 3, 5 इसका कंडक्टर है, ठीक है। ये भी बेस्ट फ्रेंड है नंबर आठ का बेस्ट फ्रेंड है, सारे नंबर आपस में, सारे एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे नंबर आपस में बेस्ट फ्रेंड है नंबर आठ के, इसके भी सारे बेस्ट फ्रेंड हैं आठ के, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें हैं, पहली आठ नंबर का व्यक्ति जब आठ नंबर की डेट पे आ जाता है, तो क्या होता है, कई बार बहुत बुरा होता है। मैंने एक चीज बताई थी आपको जोकर कार्ड में, क्या बताया था, जब चार और आठ साथ में आ जाए सो उस वक्त वो जोकर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, जो हमारे साथ इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में हुआ, हैदराबाद के पैट कमिंस जो था, पैट कमिंस उस वक्त ऑस्ट्रेलिया से जो खेल रहा था एज एन कैप्टन, वो अपने चार नंबर की एज में उस वक्त था, पाँच में खैर, ठीक है, अभी भी नंबर बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड है। लेकिन आठ नंबर के व्यक्ति जब आठ नंबर की डेट पे आता है तो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड छः नंबर आठ नंबर के साथ वेल सिंक्रोनाइज्ड है, और वो व्यक्ति अपना सारे नंबर सिंक्रोनाइजेशन में लेके बैठा हुआ है। पहला तरीका तो हुआ यहाँ पे, देखिए आठ आठ के साथ अच्छा भी जा सकता है, ऐसा नहीं कह रहा कि बुरा जाता, ज़्यादातर बुरा जाता है, आठ आठ के साथ ज़्यादातर बुरा जाता है, कभी कभी अच्छे रिजल्ट भी देता है, डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, बिकॉज एट नंबर इज ऑल अबाउट कर्मा, ठीक है। तो आठ नंबर कर्मा की वजह, देखिए पैट कमिंस जब से कैप्टन बने हैं, वर्ल्ड कप टेस्ट मैच पैट कमिंस थे, जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया, पिछले साल वर्ल्ड कप पैट कमिंस थे, फिर जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पर उस वक्त डेट अलग थी। इस बार आठ नंबर का व्यक्ति आठ नंबर की डेट पर 26 तारीख को मैच खेलेगा, तो देर आर हाई पॉसिबिलिटी के मैच इनके फेवर में ना जाए, ठीक है। तो विनिंग टीम तो यहाँ पे बेसिकली होगी श्रेयस अय्यर, KKR, बहुत क्लियर, ठीक है, क्योंकि इनके नंबर थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू पैट कमिंस, और रीज़न मैंने आपको बता दिया, आठ नंबर के व्यक्ति आठ नंबर पे कई बार फ्लिप कर जाता है, ठीक है। अब फ्लिप कर जाता है तो नेगेटिव सेंस में गया ये, ठीक है। अगर इससे भी नहीं समझ में आया, आप लोग कहेंगे नहीं आठ नंबर के व्यक्ति उसका तो लक्की नंबर है आठ, उसका तो आठ ही आठ है, कंडक्टर भी आठ है, ये भी आठ है, वो भी आठ है, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अभी सिखाने के पर्पज से और आगे का बता रहा हूँ। वैसे मैंने बता दिया KKR विल विन दी IPL 2024, बट कीप इन माइंड फिक्सिंग बहुत होती है IPL में, पहले प्रूफ दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब आपको लगता है कि नंबर नहीं हमें समझ में नहीं आ रहे, आठ भी बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है, छः भी सिंक्रोनाइज्ड है, तो आगे क्या करें, तो देखिए उसके बाद आते हैं इनके मेंटर्स कौन है दोनों टीमों के। तो देखिए गौतम गंभीर है KKR के मेंटर, डेनियल विक्टोरी हैं SRH के मेंटर, ठीक है, कोच बेसिकली, ठीक है। गौतम गंभीर जो कि पाँच नंबर वाले व्यक्ति हैं, पाँच नंबर का ड्राइवर है, ठीक है, कंडक्टर साथ है, उनकी करंट रनिंग एज साथ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, डेनियल विक्टोरी नौ नंबर वाला व्यक्ति है, नौ नंबर है, वन नौ और वन का चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे पाँच और सात का अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये चल जाता है, ठीक है, ये चल जाता है, बुरा नहीं है, चल जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो नौ नंबर है डेनियल विक्टोरी का, ये इन्हें 2024 का साल किसका है, आठ का, आठ नंबर नौ नंबर का सबसे बड़ा एंटी नंबर होता है, ये बात बहुत बार बताई अपनी वीडियो में, ठीक है। तो डेनियल विक्टोरी एक ऐसा व्यक्ति है इस टीम में
देखिए जब कोई टीम जीतती है ना उसमें हर कोई हर किसी को अवार्ड मिलता है, एक एक कहते हैं ना हर किसी को ग्रीट मिलता है कि आपने टीम को इस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, आप इस टीम के मेंटर हैं तो आपको भी बहुत सारा पैसा मिलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर ऐसा रहा जीतते तो ऑटोमेटिकली डेनियल विटोरी को बहुत कुछ मिलेगा, राइट। लेकिन डेनियल विटोरी के नंबर 2024 जो कि 8 के टोटल का था, उसकी वजह से इनके नंबर इतने वेल सिंक्रनाइज्ड नहीं है कि इनको इस साल कुछ बड़ा अवार्ड मिले। और ऑन दी अदर हैंड गौतम गंभीर के नंबर एकदम सिंक्रनाइज है कि इस साल इनको कुछ बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। तो अब अगर आप कंफ्यूज थे कि SRH और KKR के नंबर तो बहुत अच्छे थे, ये थे वो थे, आपको डाउट था कि SRH भी तो जीत सकती है, तो यहाँ पे हम मेंटर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, जो टीम का कोच होता है, इस वक्त टीम के कोच को भी देख लीजिए, तो टीम के कोच में गौतम गंभीर के नंबर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, डेनियल विटोरी के नंबर वीक है। तो SRH अगर जीतती तो डेनियल विटोरी को भी एट द एंड रिवॉर्ड मिलते, लेकिन क्योंकि डेनियल विटोरी ऑलरेडी वीक नंबर लेके बैठा है, गौतम गंभीर स्ट्रांग नंबर लेके बैठा है, KKR जीतेगी तो रिवॉर्ड किसको मिलेगा? गौतम गंभीर को, जो कि ये डिजर्व करते हैं क्योंकि इनके नंबर वेल सिंक्रोनाइज्ड हैं इनके भी। ठीक है, इसके अलावा जब ये सब समझ में आ गया आपको, अब अभी भी डाउट है कि और क्या कर सकते हैं, तो और क्या में देखिए, जब हम न्यूमरोलॉजी में अपनी क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ माइक्रो लेवल पे पकड़िए चीज़ों को, माइक्रो। अब मान लीजिए KKR SRH में कंफ्यूज होगा कि नंबर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं वगैरह वगैरह। मान लेते हैं गौतम गंभीर और डेनियल विटोरी भी आपस में बहुत अच्छे नंबर लेके बैठे होते, फिलहाल डेनियल विटोरी तो अच्छे नंबर लेके नहीं बैठे हैं, बट मान लेते हैं कि डेनियल विटोरी और गौतम गंभीर भी आपस में टकरा रहे होते, आपस में नंबर क्लैश हो रहे होते, फिर क्या करें? इसके बाद धीरे धीरे माइनर चीज़ों पर चलते हैं, जैसे कि जर्सी का कलर। जर्सी कलर, अब देखिए KKR की जो जर्सी है और उसका जो लोगो है वो डिज़ाइन किया गया है बाय अ न्यूमरोलॉजिस्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, KKR की जो जर्सी है या जो भी उनके कपड़ों का कलर है वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने उनको दिया है। SRH का जो कलर है फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है, ऑरेंज कलर में ब्लैक मिक्स कर दिया है। ब्लैक कभी नहीं होना चाहिए किसी भी टीम के कपड़ों में, ब्लैक नहीं होना चाहिए, विनिंग टीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो SRH के नंबर यहाँ पे और थोड़े से वीक हो जाते हैं क्योंकि उनकी कपड़ों में उनकी जो लोवर्स हैं वो सब ब्लैक हैं, ज़्यादातर उसमें ब्लैक कलर एडेड है। ठीक है, इवन उनकी जर्सी में भी ऑरेंज के साथ ब्लैक कलर एडेड है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप धीरे धीरे कलर का यूटिलाइजेशन यूज़ करेंगे फिर आगे चेक करने के लिए कि और क्या क्या फैक्टर यहाँ पे दिखते हैं। तो आपको पता चला KKR की पूरी जर्सी, उनका लोगो, सब कुछ एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है उनको। ऑन दी अदर हैंड SRH ने अपने कपड़ों में ब्लैक कलर लिया हुआ है, तो इसकी वजह से भी यहाँ चांसेस बनते हैं कि SRH यहाँ पे हार जाएगी। ठीक है, सो ओवरऑल जो आउटकम निकल के आता है वो ये है कि KKR इज गोइंग टू लिफ्ट द IPL 2024 टाइटल। ओके, जिस वीडियो का आप सबको इंतज़ार था उसके बारे में इतना ब्रीफ में बता दिया है। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो। ठीक है, पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर इस वक्त SRH को विनर बता रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, पर हम कह रहे हैं कि KKR इज गोइंग टू विन दी IPL। ठीक है, नंबर्स के बारे में आपको सब समझा दिया गया है, और अगर ये प्रेडिक्शन गलत हो भी जाता है तो ध्यान रखिए IPL इज ऑल अबाउट सट्टाबाजारी, फिक्सिंग्स, बहुत कुछ है IPL में। ठीक है, ये आपके दिमाग से परे, और मैंने जो बीच में एक स्टोरी सुनाई ना वो रियल स्टोरी है। ठीक है, वो फेक नहीं है, वो रियल स्टोरी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू वंस अगेन, बाय।